हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मैगी विद मैक्रोनी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, फटाफट बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेने होंगे 2 पैकेट मैगी नूडल्स के, आप ये भी या कोई और भी इंस्टेंट नूडल्स ले सकते हैं। और साथ ही में हम ले लेंगे 1 कप मैक्रोनी। तो सबसे पहले हमें मैक्रोनी को बॉईल करना होगा। तो यहाँ मैंने गैस पर एक पैन रख लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1/2 लीटर पानी, और पानी रखते साथ ही हम इसमें मैक्रोनी भी डाल देंगे। और मैक्रोनी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक। हमें ऑयल डालने की यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिना ऑयल के ही हमारी मैक्रोनी जो है उबल करके बिल्कुल नॉन स्टिकी रहेगी, यानी कि आपस में चिपकेगी नहीं। पहले फुल फ्लेम पर हम मैक्रोनी को एक बॉईल आने देंगे, और एक बॉईल आने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद हमारी मैक्रोनी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, आप एक बार टच करके चेक कर लीजिए। अब हम मैक्रोनी में से एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और मैक्रोनी को 3 बार ठंडे पानी से, यानी कि जो नॉर्मल टैप रनिंग वाटर होता है, उसमें से 3 बार धो लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम चावल को धोते हैं। और उसके बाद इस तरह की किसी भी छलनी या स्ट्रेनर में रख देंगे। तो बिना ऑयल लगाए ही हमारी मैक्रोनी बिल्कुल नॉन स्टिकी, यानी कि खिली खिली रहेगी। मैक्रोनी बॉईल हो गई है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ मैंने गैस पर रखी है एक कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और फ्लेम को हम फुल रखेंगे। और ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे, जिनको मैंने इस तरह लंबाई में काट करके रखा है। और प्याज को हमें लगभग 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना है। और प्याज का रंग बदलते ही हम इसमें डाल देंगे 3 बारीक कटे हुए टमाटर, और साथ ही में मैगी के टेस्ट मेकर के 2 पाउच भी ऐड कर देंगे। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक मैगी मसाला है मैजिक का पैकेट अलग से लिया है, क्योंकि हम मैक्रोनी भी ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेस्ट मेकर का पैकेट अलग से डाल दिया है, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है। और लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी हम यहाँ पर ग्रेट करके डाल देंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स डाली है, अदरवाइज़ तो मैगी के टेस्ट मेकर में नमक होता ही है। तो 1/2 टीस्पून जितना नमक आप इसमें ऐड कर दीजिए। और अब मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हैं हमें ऑयल अलग से दिख रहा है। तो लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 कटी हुई शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और साथ ही में डाल देंगे 2 टेबलस्पून जितना स्वीट कॉर्न। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 कप पानी। और पानी डालते साथ ही हम इसमें 2 पैकेट मैगी नूडल्स के भी डाल देंगे। और अभी हमें मैगी को पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें इसमें मैक्रोनी भी ऐड करनी है। तो आप एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और जैसे ही आपको लगे कि मैगी नूडल्स सॉफ्ट हो गई हैं, बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं, तो उसी स्टेज पे हम लोग मैक्रोनी ऐड कर देंगे। तो सिर्फ लगभग 1/2 से 1 मिनट के अंदर ही हमारी मैगी नूडल्स सॉफ्ट हो जाएंगी। और नूडल्स अब देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, पर अभी पानी हम इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया है अच्छे से। तो चलिए अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम लगभग 3 से 4 मिनट तक इनको पकने देंगे। और हमारी मैगी विद मैक्रोनी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, जल्दी से इसको अपने घर में ट्राई कीजिए। और ऐसी और इजी टेस्टी और क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल जीना इन द किचन को विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुँच सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। दी एंड।